So hello guys, hope you all are doing good and this is Dr. Vikas signing in and welcomes you to VP Mantra. Guys, pharmacy kya hai, uske courses kya hai, kya scope hai, kya potentials hai, iske upar detailed comprehensive videos channel ke upar hai. Agar aapne nahi dekhe to please go and explore the channel VP Mantra. Samuche Bharatvarsh mein pharmacy ki vibhinna patyakram, that is the bachelor, diploma, masters, even PharmD mein pravesh prakriyaen jari hain. Aise mein kisi bhi shikshan sansthan, that is the pharmacy institution ke liye सुविधाएं जैसे कि बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी व निपुण शिक्षक, कैंपस प्लेसमेंट इत्यादि जितना मायने रखते हैं उतना ही मायने रखती हैं मान्यताएं और अप्रूवल्स. उदाहरण के तौर पे जैसे कि आपकी 12th की मार्कशीट है, जो 12वीं की मार्कशीट है, उसके ऊपर नोटिफिकेशन होता है कि वो किस बोर्ड की है, स्टेट बोर्ड की है या सेंट्रल बोर्ड की है. तो अगर वो बोर्ड से आपका स्कूल आपका मान्यता नहीं होगा तो आपकी 12th की जो मार्कशीट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी. ठीक इसी तरह से फार्मेसी के इंस्टीट्यूशंस में मान्यता एंड अप्रूवल्स बहुत मायने रखते हैं. तो इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे वो सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको फार्मेसी एडमिशन के लेने के पहले ध्यान में रखनी है एक्सक्लूसिवली, कि आप घर बैठे आसानी से कैसे भी किसी भी तरह आसानी से अपने टारगेटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जिसमें आप प्रवेश लेना चाहते हैं, उसके सारे अप्रूवल्स और मान्यताएं कैसे चेक कर सकते हैं. इसलिए प्लीज बने रहिएगा अंत तक. लेट्स बिगिन. सबसे पहले है PCI, दैट इज द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. समूचे भारतवर्ष में किसी भी फार्मेसी इंस्टीट्यूशन के लिए गवर्निंग बॉडी है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. क्योंकि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर PCI से अप्रूव्ड नहीं है, मान्यता नहीं है, तो आपकी डिग्री या फिर जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन है पूरी तरह से बेकार है. तो अब चलते हैं अपन कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर और अपन देखते हैं कि आप कैसे आसानी से खुद PCI के अपने किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की PCI अप्रूवल कैसे चेक कर सकते हैं. सो गाइस, अब हम लोग आ गए हैं अपने कंप्यूटर की वेबसाइट के ऊपर. सबसे पहले गूगल आपको ओपन कर लेना है, वहां पे आपको टाइप करना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. ये ऑलरेडी टाइप है, इसको अपन क्लिक करेंगे, वेबसाइट खोल का ऑप्शन आएगा. सबसे पहला जो ऑप्शन है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया आपको टाइप करना है और वेबसाइट आपके सामने PCI की खुल जाएगी. अब यहाँ पर बहुत विभिन्न प्रकार के रिबन है, उसमें आपको देखना है डिसीजंस ऑफ EC ऑब्लिक CC, यानी डिसीजंस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड सेंट्रल काउंसिल. काउंसिल का मतलब होता है परिषद और डिसीजंस का मतलब ये होता है कि जो भी काउंसिल ने फैसले किए हैं, निर्णय किए हैं कि किन कॉलेज को अप्रूवल देना है, किन को नहीं देना है, तो उनकी इस प्रकार से ये लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, पूरी दिखाई देगी. तो इसमें जो लेटेस्ट है, क्योंकि डेफिनेटली सीरीज बात है, अभी हम 2021 में, तो हम सबसे पहले लेटेस्ट लिस्ट को ही देखेंगे. तो जो सबसे पहली है डिसीजंस ऑफ 348, यानी कि ये 348वीं मीटिंग थी काउंसिल परिषद की, जिसमें ये फैसला किया गया और उन कॉलेज के नाम उसमें डाल दिए गए कि जो अप्रूव है कि नहीं. तो इस लिस्ट में जो नहीं रहेंगे वो आपके अप्रूव्ड नहीं है, और जो होंगे वो डेफिनेटली अप्रूव्ड है. तो इसको आपको क्लिक करना है. क्लिक करने के बाद कुछ ऐसी एक फाइल आपको खुलेगी, ऊपर आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड का, यहाँ पर आपको दिखेगा, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है. डाउनलोड करने के बाद इसको आप कहीं पे भी सेव कर लीजिए, हो जाएगा. इसको मैंने ऑलरेडी सेव करके रखा, तो उसको अपन खोलते हैं. इस तरीके से ये PDF फाइल खुलेगी, डिसीजंस ऑफ 348EC, है ना, 23 जून 2021 को लिया गया था, ये लास्ट और लेटेस्ट है. तो इसमें क्या बताया गया है कि सबसे पहले जितने भी जो इनको अप्रूवल किया गया है फॉर द PCI बियॉन्ड 2021 एंड 2022. सो अब हमें ये देखना है कि किस कॉलेज को हमें, जो टारगेट जिसमें आपको एडमिशन लेना है, जिसमें एडमिशन आप देखना चाहते हैं कि उसका फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल है या नहीं, तो उसके लिए आपको सीधे कंट्रोल F दबाना है, जो भी आपको. तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कॉलेज का, जैसे विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कि बैंगलोर कर्नाटका में स्थित है. जस्ट फॉर एन एग्जांपल, जस्ट अ सैंपल आई एम टेकिंग, राइट. आप अपने जो भी आपके क्षेत्र का, स्टेट का जो भी कॉलेज है, आप उसका नाम उसमें टाइप करके चेक कर सकते हैं. तो विद्याश्री के लिए अपन टाइप करेंगे VIDYASIRI, राइट. इसको उसके ऑप्शन में क्लिक करेंगे और ये सामने देखिए. अब यहाँ पे आप देखेंगे 124 नंबर, 1039 कर्नाटका, 2021-22. तो यहाँ पर इनमें अप्रूवल दिया हुआ है, राइट. इसको आप ध्यान से देखेंगे इस सेक्शन को, तो ये जो सेक्शन है, मतलब इस कॉलेज को वो अप्रूवल दिया गया है. तो यहाँ पे नाम है, इसके बाद इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ऑन रिकॉर्ड, अप्रूवल वाज प्लेस्ड एंड कंसीडर्ड ग्रांटेड अप्रूवल फॉर 2021-22 फॉर कंडक्ट ऑफ सेकेंड ईयर. अभी हो सकता है नया कॉलेज हो तो इसमें अभी सेकेंड फर्स्ट ईयर ही आया है, सेकेंड ईयर है. तो इस तरीके से अलाउड 60 एडमिशन इन 2021-22, मतलब इस एरिया, इस साल के लिए इन्हें पास 60 एडमिशंस का अलॉटमेंट है, उसका लिस्ट है. और ये राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस जयनगर बैंगलोर, इससे मान्यता एफिलेटेड है. मतलब राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस एक्चुअल में उसकी जो है एग्जामिनिंग अथॉरिटी होगी. अगर आप इस कॉलेज से पढ़ते हैं तो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की जो डिग्री और जो मार्कशीट है वो आपको वहां से मिलेगी, राइट. उसमें कॉलेज का नाम रहेगा. तो इस तरीके से
जितने भी कॉलेज, मतलब जो भी आपको कॉलेज जैसे कर्नाटका है या फिर महाराष्ट्र है, इस लिस्ट में आप वो पूरे जाकर के देख सकते हैं। अभी अभी आपने देखा कि कैसे आप किसी भी टारगेटेड इंस्टीट्यूट, मतलब जिसमें आप एडमिशन लेने चाहते हैं, उसमें पीसीआई अप्रूवल कैसे चेक कर सकते हैं। गाइस, पीसीआई की जो मान्यता है उसका प्रमुख रोल होता है फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप अपनी बैचलर की डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी का सर्टिफिकेशन कोर्स करने के बाद अपने स्टेट में, अपने राज्य में स्टेट फार्मेसी काउंसिल में अप्लाई करते हैं पंजीकृत फार्मासिस्ट बनने के लिए, रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए, जिसके लिए बहुत जरूरी होता है आपके जॉब प्रोफाइल में, आपके बिजनेस के लिए। तो जब आप ये आवेदन वहां पर देते हैं तो आप अपनी सारी मार्कशीट, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, वहां पे उनको देते हैं, तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्रॉस वेरिफिकेशन करता है इंस्टीट्यूट से और पीसीआई से, सबसे पहले कि वो इंस्टीट्यूट पीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं, एंड सेकंडली वहां पर आप एक रेगुलर छात्र या छात्रा थे या नहीं। तो अगर वो पीसीआई अप्रूवल नहीं है तो स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपको फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी नहीं करेगा। इसके बिना आप तो जानते हैं कि फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी मान्यता और अप्रूवल कहलाती है स्टेट एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से, वो टेक्निकल हो सकती है, डीम्ड हो सकती है, वॉट एवर इट कैन बी। तो अगर आप किसी निजी संस्था, यहां पर मैं मार्क द वर्ड, यानी कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से बैचलर ऑफ फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं तो उस इंस्टीट्यूट का उस पर्टिकुलर स्टेट की किसी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना बेहद जरूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी एग्जामिनिंग बॉडी होती है, मतलब आप जो परीक्षा देते हैं आपकी कॉपी वैल्यूएट होती है और वही यूनिवर्सिटी आपको डिग्री प्रदान करती है। तो यहां पर मैं एक बात आपसे ऐड करना चाहूंगा कि अगर आप किसी निजी यूनिवर्सिटी, निजी विश्वविद्यालय यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फार्मेसी या डिप्लोमा करते हैं तो यह पॉइंट यहां पर जरूरी नहीं है, क्योंकि वही पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी वहीं पर आपके एग्जाम लेगी, वहीं पर कॉपीज का वैल्यूएशन होगा, वहीं पर आपके मार्क्स मार्कशीट जारी होगी, वहीं आपको डिग्री मिल जाएगी। लेकिन आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से करते हैं तो डेफिनेटली उसका किसी वो स्टेट की पर्टिकुलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि मार्कशीट आपको वहीं से मिलती है। तो एक ही सेकेंडरी अप्रूवल बेहद इंपॉर्टेंट है। तो अब चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर एक बार फिर से और देखते हैं कि आप पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट की स्टेट अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी से कैसे उसकी अप्रूवल और मान्यताएं चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। सो गाइज, अभी हमने देखा कि अभी हमने पीसीआई की वेबसाइट के ऊपर देखा कि विद्यासरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी पीसीआई से अप्रूव्ड है, यहां से सुनिश्चित हो गया, हम संतुष्ट हो गए। अब उसमें वहां पर दिया हुआ था कि विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी आरजीयूएचएस यानी राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मान्यता प्राप्त है, वो उसकी एग्जामिनिंग अथॉरिटी है। तो हमें वो भी चेक करना पड़ेगा, सुनिश्चित करना पड़ेगा कि वो आरजीयूएचएस से एफिलेटेड है कि नहीं, वो क्योंकि वो एग्जामिनिंग अथॉरिटी है, वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और प्राइवेट इंस्टीट्यूट के लिए यूनिवर्सिटी एफिलिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिंपली चेक करने के लिए, चूंकि हमने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की वेबसाइट में विद्याश्री को हमने देखा, तो हम उसी को एक बार क्रॉस चेक करते हैं कि विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी आरजीयूएचएस से एफिलेटेड है या नहीं। तो उसके लिए सिंपली हम टाइप करेंगे राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, ये देखिए रिजल्ट ऑलरेडी टाइप था तो मैंने करके रखा, चेक करके रखा था। तो अभी हम उसकी वेबसाइट खोल, जो ऑप्शन खोलेंगे उसमें वेबसाइट पे हमें जाना है, इस तरह से उसकी वेबसाइट खुल जाएगी। इसके बाद हमें जाना है इंस्टीट्यूशंस में, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, फिर उसके बाद पूरे उसके जितने भी मान्यता प्राप्त उसके जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी लिस्ट कैटेगरी वाइज है, मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, लिस्ट में आपको देखना है लिस्ट ऑफ फार्मेसी कॉलेज, इसको आपको क्लिक करना है। इस तरीके से ये पूरा इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो खुल जाएगा और यहाँ पर आप देखेंगे कि राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज कर्नाटक बेंगलोर से जितने भी फार्मेसी कॉलेज इस वक्त मान्यता प्राप्त हैं उनकी पूरी डिटेल है, जैसे नेम ऑफ द कॉलेज, टाइप ऑफ एफिलिएशन, कोर्सेज विद देयर इनटेक, मतलब कितना उन्हें अलाउड है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि अगर विद्याश्री का इसमें नाम है तो डेफिनेटली इट इज अप्रूव्ड और अगर नहीं है तो इट इज नॉट अप्रूव्ड। तो बस ऐसे करके स्क्रॉल करके आप इसमें लिस्ट में चेक कर सकते हैं, राइट। तो इसमें हम अगर इसको देखें, जैसे मैंने देखा था कि इस समय मैंने जब चेक किया था इट वॉज ऑन दी शायद 18 पेज, सो हम यहाँ पर आएंगे और ये देखिए आप 90 नंबर, दैट इज द प्रिंसिपल काशीपति एजुकेशनल ट्रस्ट विद्याश्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी बेंगलोर ईस्ट तालुक एंड चिकाकनली बेंगलुरु फ्रेश एंड बी फार्म 60 सीट्स के लिए इसे अलाउ है। तो यहां से आपको पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा कि यस, एक पर्टिकुलर कॉलेज पीसीआई एंड द एफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी दैट इज द राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज से मान्यता प्राप्त है। अब ये दोनों जो आपने कंफर्म कर लिए So, आप इससे पूरी तरह से सुनिश्चित हो जाएंगे कि यस इट इज अप्रूव्ड। तो गाइस, ये थे दो इंपॉर्टेंट एफिलिएशन एंड अप्रूवल जो किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या फिर यूनिवर्सिटी या फिर गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, उनके लिए बेहद जरूरी होते हैं।
ये आप पर्टिकुलर चेक करने के बाद आप सुनिश्चित कर सकते हैं कि यस इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन और नॉट। सो ये आसानी से आप घर बैठे अपने टारगेटेड इंस्टीट्यूट के ये दो अप्रूवल और एफिलिएशन जरूर चेक करें। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर, वो है फीस। एक्चुअल में दोस्तों बी फार्मेसी या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी और जितने भी फार्मेसी के पाठ्यक्रम हैं वो एक्चुअल में तकनीकी कोर्स हैं, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्स है। मतलब परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट्स इनसाइड द लेबोरेटरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बी फार्मेसी या फिर फार्मेसी कैरिकुलम, जिसकी वजह से बहुत सारे केमिकल्स का, इंस्ट्रूमेंट्स का, इक्विपमेंट्स का कंजम्पशन होता है, जिसकी वजह से टेक्निकल कोर्स होने की वजह के साथ साथ एक किसी भी फार्मेसी पाठ्यक्रम की फीस काफी ज्यादा हो जाती है, स्पेशली इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, बिकॉज गवर्नमेंट में तो सरकार से पैसा आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट्स, जो छात्र आर्थिक रूप से कमजोर हैं स्पेशली, और जनरल कैटेगरी भी हैं क्योंकि कैटेगरी में स्कॉलरशिप मिल जाती है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा कि स्कॉलरशिप के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है चैनल के ऊपर, अगर आपने नहीं देखा है तो डेफिनेटली देखना। तो उसमें मैंने ये भी बताया है कि जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी कैसे एक स्कॉलरशिप को एक्वायर कर सकते हैं। तो स्कॉलरशिप तो एक साइड बाय साइड हो गया, लेकिन फीस काफी ज्यादा हो जाती है और जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें एजुकेशन लोन का सहारा लेना पड़ता है। एजुकेशन लोन लेना एक कठिन काम है, टीडियस काम है, परेशानी वाला काम है, क्योंकि और एजुकेशन लोन लेना एक कठिन काम है, टीडियस काम है, परेशानी वाला काम है, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें मॉर्गेज के ऊपर रखनी पड़ती हैं, हमें डॉक्यूमेंटेशन पूरा करना पड़ता है, ब्याज ऊपर से इंटरेस्ट लगता है और साथ ही साथ लोन को चुकाने की भी एक टेंशन बनी रहती है। तो ऐसी स्थिति में इसका विकल्प ये है कि जिस भी पर्टिकुलर टारगेटेड फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में आप लेना चाहते हैं उसके अप्रूवल और मान्यताएं चेक करके आप संतुष्ट हो गए, आप पूरी तरह सेटिस्फाइड हो गए, तो वहां पर हर एक प्राइवेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉलमेंट में, किस्तों में फीस जमा करने का भी प्रावधान होता है। अभी तक हमने वीएससी ओपी के एग्जांपल लिए, यहां पर भी मैं फिर से वीएससी ओपी के एग्जांपल लूंगा, जहां पर भी फार्मेसी की जो फीस स्ट्रक्चर है वो है 30,000 पर सेमेस्टर। इस हिसाब से 4 साल की फीस है वहां पर 2,40,000 रुपए। अगर आपको लगता है कि आप ऐसी फीस नहीं कर सकते, आप थोड़ा फाइनेंशियली कमजोर हैं, तो उसका विकल्प भी आप इंस्टॉलमेंट में फीस जमा कर सकते हैं। तो 30,000 प्रति सेमेस्टर को अगर हम डिवाइड करें, क्योंकि एक सेमेस्टर पूरे 6 महीने का होता है, अगर उसको डिवाइड करें तो आपकी पर मंथ की फीस आती है 5,000 रुपए। दैट्स ऑल। तो इससे आप लोन लेने से भी बच जाएंगे और आप अपना इजिली किस्तों में अपनी फीस भी जमा कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, हर प्राइवेट फार्मेसी इंस्टीट्यूशन में इंस्टॉलमेंट में फीस जमा करने का प्रावधान होता है। ये मैंने वीएससीओपी के एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताया। इसके अलावा एक दूसरी चीज़ भी है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूशन डोनेशन भी लेते हैं, क्योंकि फार्मेसी डेफिनेटली एक काफ़ी फ्लरिशिंग कोर्स है, काफ़ी बूमिंग कोर्स है, तो डेफिनेटली फीस जो सीटें हैं वो बहुत ईजिली भरते हैं, ऐसे में डोनेशन लिया जाता है। तो आप ये भी चेक करें कि एक्चुअल फीस आप दें, डोनेशन ना दें। फीस एक्चुअल में कैसे चेक करें किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की, उसके लिए ऊपर एक एक्सक्लूसिव वीडियो है इसी चैनल के ऊपर, नहीं देखा हो तो जाके जरूर देखिएगा आप। सो गाइज, ये था एक क्विक ब्रीफ वीडियो कि कैसे आप फार्मेसी में एडमिशन लेने के पहले इंस्टीट्यूट के अप्रूवल्स, मान्यताएं, सारी चीजें को अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइज, क्योंकि अपने पूरे 4 साल के या फिर अपना जो आप भी कोर्स करते हैं उसमें आप अपनी 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देते हैं, जिसमें सबसे पहली होती है पैसा, उसके बाद फिर एनर्जी, एंड सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है वक्त। कहीं ऐसा ना हो कि आप छोटी गलती से, जानकारी के अभाव की वजह से कोई गलती कर बैठें। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको फ्रूटफुल लगा होगा। अगर लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा अपने लोगों के साथ, और इंस्टाग्राम पर वीपी मंत्रा को जरूर फॉलो करें, मैं सबके आंसर वहां पर देता रहता हूं। साथ ही साथ आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहूंगा आज के इस वीडियो के माध्यम से कि मैं बहुत सारी प्रिपरेशंस कर रहा हूं लाइव आने के लिए। कुछ थोड़ा सा फैसिलिटीज का इशू था, बट दे आर सॉर्टेड आउट नाउ, एंड जल्दी ही मैं लाइव आपके साथ जुड़ूंगा। और फेसबुक पर जो ऑफिशियल पेज है वीपी मंत्रा, उसे भी लाइक कर लें, एंड कमेंट तो आप हमेशा करिए, मैं सबके जवाब भी दे रहा हूँ। जो कमेंट छूट जा रहे हैं मैं से, जिनको मैं आपको टाइपोग्राफिकल सिस्टम में मैं टाइप करके कमेंट के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, उनको मैं लाइव ज़रूर पूरा करूँगा। सो गाइस, दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, स्टे मोटिवेटेड, वर्क स्मार्टर, गुड लक।